बहनों की तरफ से अगर कोई सवाल हो, कोई नॉन मुस्लिम बहन हो तो सवाल कर सकती है। बहन का सवाल है कि इस्लाम में अगर बीवी में कुछ खामियां हैं तो मर्द दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन जब मर्द में खामियां हैं तो औरत बीवी दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकती? ये एक अहम सवाल है, अच्छा सवाल है। एक हिंदू भाई ने सवाल किया था कि एक से ज़्यादा बीवी रखने की इजाज़त इस्लाम में क्यों है, जिसका जवाब मैं दे चुका हूँ। अभी दूसरा सवाल है कि औरत को दूसरी शादी करने की इजाज़त क्यों नहीं, और एक से ज़्यादा बीवी करने की कई वजह है, जैसे औरत की तादाद इस दुनिया में मर्द से ज़्यादा है, तो औरत की हिफाजत करने के लिए कुछ मर्द को एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त देना पड़ेगा, फिर ही औरत महफूज रह सकती। और कई वजह है, और वजह है कि कई बार बीवी अगर कुछ उसमें मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, तो ऑप्शन रहता है क्या वो बीवी को तलाक दे और नई बीवी करे। लेकिन इस्लाम में उस बीवी को भी देखे और नई बीवी कर सकते हैं, और दोनों बीवी की देखभाल कर सकता है वो इस्लाम में मर्द। इसी तरीके से अगर कोई औरत एक्सीडेंट हो सकता है और अपने शोहर को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, तो दो चीज़ें हो सकती, वो बीवी को तलाक दे और नई बीवी करे, या पहली बीवी जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, जो अपाहिज हो चुकी है, उसको रखे और दूसरी बीवी करे। अगर मेरी बहन अपाहिज हो जाती है तो मैं पसंद करूंगा कि उसका शौहर उसे रखे और दूसरी शादी करे, बनिस्बत उसको तलाक दे। तो कई वजह है इस्लाम में कि एक से ज़्यादा बीवी रखने की इजाज़त इस्लाम में क्यों है, उल्टा क्यों नहीं इजाज़त है, औरत क्यों नहीं एक से ज़्यादा मर्द रख सकती। सबसे पहला, अगर एक मर्द की एक से ज़्यादा बीवी है और जब बच्चा पैदा होता है तो फौरन हमें पता लगता है कि उसका वालिद कौन है, उसकी वालदा कौन है। लेकिन अगर एक औरत के एक से ज़्यादा शोहर है, एक औरत के एक से ज़्यादा शोहर है, अगर बच्चा पैदा होगा तो वालदा का तो पता लगेगा, वालिद का पता नहीं लगेगा। और आप जब स्कूल में जाएंगे और स्कूल में प्रिंसिपल पूछेगा वालिद का नाम क्या है, कि आपको दो नाम देने पड़ेंगे। इसीलिए इस्लाम में एक बीवी के एक से ज्यादा शोहर होने की इजाजत नहीं। ये सूरह निसा की आयत है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 23 और 24 और 25 में, कि शादीशुदा औरत फिर से शादी नहीं कर सकती। और कई वजह है, हम जानते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद आज डीएनए टेस्टिंग के हिसाब से हमें पता चल सकता है कौन वालिद है कौन वालदा है, लेकिन ये तो अभी रिसेंट डिस्कवरी है, इतने साल पहले तो पता नहीं था। और ये एक सिर्फ वजह नहीं है, ये भी 100% डेफिनेट नहीं है, बट मान भी लो 100% डेफिनेट है, ये एक वजह नहीं और कई वजह है। आज साइंस ये कहती है कि मैन इज मोर सेक्सुअल एज कंपेयर टू अ वुमेन, अ मैन इज मोर सेक्सुअल बायोलॉजिकली एज कंपेयर टू अ वुमेन। तीसरी वजह है कि एक आदमी मल्टीपल शोहर की जिम्मेदारी संभाल सकता है, एक से ज्यादा शोहर की जिम्मेदारी संभाल सकता है, लेकिन औरत एक से ज्यादा बीवी की जिम्मेदारी संभाल नहीं सकती, क्योंकि एक औरत में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ड्यू टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी जहनी हालत बदलती रहती है, ड्यू टू द एस्ट्रोजन लेवल गोइंग अप एंड डाउन। कोई भी डॉक्टर से पूछिए वो कहेगा कि ड्यूरिंग दिस पीरियड इट इज डिफिकल्ट फॉर हर टू मेंटेन अ बैलेंस। और मान लो कि जो वजह मैंने कहा कि आदमी एक से ज़्यादा बीवी कर सकता है, अगर औरत पे लागू होता है, औरत अगर बांझ है, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, फिर भी शोहर उसकी देखभाल कर सकता है और एक बीवी कर सकता है। लेकिन साइंस ये कहती है कि अगर मालूम पड़ता है कि औरत बांझ है या आदमी बच्चा पैदा करने में हिस्सा नहीं ले सकता, फिर भी चांसेस है क्या ये सिचुएशन चेंज हो सकती है। अगर बीवी
को पता लगता है कि आदमी में कुछ बीमारी है जिसके वजह से वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, बच्चा पैदा करने में हिस्सा नहीं ले सकता है, लेकिन ये 100% डेफिनेट नहीं। अगर वो और एक शोर से शादी करती है, चांसेस है कि दिस पोजीशन कैन रिवर्स, और कब रिवर्स होगा ये कोई नहीं कह सकता। फिर जब बच्चा पैदा होगा हमें पता नहीं लगेगा कौन उसका बाप है, पहला शोर या दूसरा शोर। उसके बावजूद अगर शोहर अपाहिज हो जाता है और बीवी चाहती है कि मैं दूसरा शोहर करूं, वो बेशक शोहर से खुला ले सकती है, और जब खुला लेती है वो नई शादी कर सकती है। लेकिन आदमी जब औरत को तलाक देता है, तलाकशुदा को नया शोहर मिलना मुश्किल है। तलाकशुदा औरत जो बीमार है उसको नया शोहर मिलना मुश्किल है, लेकिन आदमी जब बीवी खुला लेंगी और नया शोर करेंगी उसको भी सपोर्ट मिलेगा और वो आदमी को भी सपोर्ट मिल सकता है। इसीलिए इस्लाम में कुरान में लिखा है कि बीवी एक से ज़्यादा शोहर नहीं रख सकती, लेकिन आदमी एक से ज़्यादा बीवी रख सकता है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।